देखो उससे मत बोल, उससे मत बोल, खराब हो जाएगा, कटर तो हो जाएगा। ग्वालियर में एक फौजी की गर्भवती पत्नी से पुलिस के सामने ही मारपीट का मामला सामने आया है। उस वक्त महिला अपने भाई को उसी के सालों से बचाने की कोशिश कर रही थी। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़े और लात व घूंसे भी मारे, साथ ही रेप करने की धमकी भी दी। महिला 4 महीने के गर्भ से है। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद महिला ने SSP ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। उसने मेरे को पकड़ के और मेरे से बोलने लगा कि तेरा मैं यही रेप करूंगा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे कपड़े उतारने लगे तब जाके, और मेरे को इतना मारा, ये मेरे पेट पे कूद कूद के पैरों से लात मारी हैं, घूंसे मारे हैं, और फिर भी मैंने उनसे बोला मैं पेट से हूँ, तब भी उन्होंने एक भी नहीं सुनी मेरी, और बोलते हैं तुझे यहीं पे आज मैं सब दुनिया के सामने नंगा करूंगा और यहीं तेरे साथ गलत काम करूंगा। जीवाजीगंज की रहने वाली महिला बहोड़ापुर के सिंधिया नगर में रहने वाले अपने भाई के पास आई हुई थी। उसके भाई का पड़ोस में रहने वाले साले अनिल राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत और उनके पिता हाकिम सिंह राजपूत के साथ विवाद हो गया। महिला का कहना है कि ये तीनों और इनके साथ ही भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। वह जब बचाने पहुंची तो भाई ने एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई, लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। महिला का आरोप है कि 4 से 5 युवकों ने उसे बीच सड़क पर घसीटते हुए कपड़े उतारने की कोशिश की, रेप कर हत्या करने की धमकी दी। वह उनके चंगुल से छूटी और पुलिस को जानकारी दी। पुलिसकर्मी घर आए तो आरोपियों ने पुलिस के सामने भी मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया। महिला ने बदसलूकी का वीडियो दिखाकर कार्रवाई की मांग की है। CSP नागेंद्र सिंह ने कहा कि सिंधिया नगर में दो परिवारों में झगड़ा और मारपीट की बात सामने आई है। दोनों आपस में नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज किया गया है। अगर महिला के पास मारपीट और बदसलूकी का कोई वीडियो है तो उसके आधार पर जांच कर धाराओं में इजाफा कर कार्रवाई की जाएगी। दो परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया, नजदीकी रिश्तेदारों में आपस में मारपीट के बाद दोनों ने थाने पर रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर से FIR पंजीबद्ध कर ली, मामले की विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य आएंगे उनकी तस्दीक की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।